वहीं बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल बिहार के सारण जिले में एक और ब्रिज टूट गया। पिछले दो हफ्तों में बिहार में ब्रिज गिरने का ये दसवां मामला है। सारण जिले की सरैया पंचायत में गंडक नदी पर बना पुल कल टूट गया। हालांकि इस हादसे के वक्त ब्रिज पर किसी तरह की आवाजाही नहीं थी, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मामले में जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। ये छोटा सा 25 लाख की लागत से 5 साल पहले 2019 में पुल बना था। ब्रिज टूटने से कई गांव का संपर्क कट गया। हैरानी की बात यह है कि सारण जिले में ब्रिज टूटने का ये पहला मामला नहीं है। पिछले दो दिनों में सारण में गंडक नदी पर बने 3 पुल टूट चुके हैं। एक ब्रिज 2004 में बना था, जबकि दूसरा ब्रिज 1984 में बना था। लेकिन अब इस पर बिहार में जबरदस्त सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में लगातार पुल टूट रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों खामोश हैं। तेजस्वी के आरोप पर नीतीश के मंत्रियों ने फौरन जवाब दिया। डिप्टी सीएम और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कुछ महीने पहले तक तो पीडब्ल्यूडी से लेकर ग्रामीण कार्य विभाग सब कुछ तेजस्वी के पास ही थे, तो तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। ये पुल पुलिया कोई आज का नहीं है, कोई पथ निर्माण विभाग का नहीं है, ग्रामीण कार्य विभाग का है। उसके मंत्री ये भी रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं, तथ्य की जानकारी भी रहनी चाहिए। अब 1981-82 का पुल गिर रहा हो, 1992 का पुल गिर रहा हो, 2003-04 का पुल गिर रहा हो, उस समय कौन थे सरकार में? इन्हीं के माता पिता ने थे, कांग्रेस के लोग थे। 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है, जब से उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को, इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। और बिहार में टूटते पुल पर सियासत यही नहीं थमी है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि नीतीश सरकार बहानेबाजी बंद करे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे। इसमें जवाब दिया बिहार के दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी ने कहा है कि विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी सरकार पूरी सख्ती के साथ जांच करवा रही है, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लगातार एक के बाद एक निर्माणाधीन पुलों का गिरना, उद्घाटन से पहले गिर जाना, इतना तो स्पष्ट हो गया है कि कमजोर निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया गया है और भ्रष्टाचार हुआ है। दुर्भाग्य यह है कि इतनी घटनाओं के बावजूद राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिर क्यों, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक एक चीजों की जांच करवा रहा हूं और तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है, उसकी सूची भी जारी कराऊंगा, कब बना है, किसने बनाया है, किन लोगों के द्वारा इस पूरे कार्रवाई की गई है, क्योंकि उसमें सूचना जो प्राप्त हुई है कई विधायकों के अनुशंसा से बने हैं, जो विधायक कोटा से बने हैं, सभी चीजों का जांच हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो दोषी अफसर हैं तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में पुल टूटने की खबरें सिर्फ एक ही जिले से नहीं आई। पिछले 15 दिनों में सारण, सीवान, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज से भी ऐसी ही खबरें सामने आई हैं। सीवान में तो अभी एक दिन पहले ही 3-3 पुल टूटे और एक ही दिन में ये टूटकर गिर गए। पहला पुल सिकंदरपुर नौतन गांव से बनाया गया था और ये पुल 40 साल पुराना था। दूसरा पुल देवरिया गांव में था, ये भी 2004 में बना था। और तीसरा पुल तो सिर्फ 7 साल का ही पुराना था, लेकिन वो भी बारिश के सीजन में टूटकर गिर गया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में मिट्टी की कटाई की वजह से यह हादसा हुआ है। इसे लेकर लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा अब सामने आ गया है। ये सारे पुल करीब 30 वर्ष या अधिक पुराने थे, ईंट के थे और नई उड़ाही के क्रम में
ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि समीप के पियर एवं एबटमेंट के समीप भी उड़ाही की गई तो पियर एवं एबटमेंट का फाउंडेशन भी वीक हुआ। पूर्व से भी फाउंडेशन कुछ वीक थे जिसके कारण ये गिरे, लेकिन हमारे अभियंताओं को पुनः फिर भी ख्याल रखना चाहिए था और पुराने पुल पर भी एहतियात बरतनी चाहिए थी। हमारे हिसाब से वो पूरी तरह से नहीं बरती गई और उसके लिए कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभियंता जो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और संवेदक से वसूली कर इन पुल जो पुल टूटे हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा।